प्रदेश के बहराइच में वक्फ नंबर 19 के दरगाह प्रबंधन कमेटी पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आपको बताते चले कि यह मामला उत्तर प्रदेश के का है, जहां मंगलवार को सलरगंज में एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने गंभीर आरोप लगाते हुए दरगाह प्रबंधन कमेटी के सदर द्वारा आदेश के बावजूद भी बीते 12 वर्षों से ऑडिट ना कराकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ नंबर 19 दरगाह शरीफ में प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। उन्होंने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि इस आमदनी में 5 से 7 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष गबन किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर दरगाह प्रबंधन कमेटी के साथ साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी के साथ साथ जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा डॉक्टर मोहम्मद दानिश ने दरगाह प्रबंधन कमेटी के सदर द्वारा वक्फ की जमीन पर भी घोटाला करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस भ्रष्टाचार की जाँच कराने की मांग को लेकर इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह व राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से भी इसकी शिकायत की है। उन्होंने मांग की है कि प्रबंध कमेटी के सदर को पदमुक्त करने के बाद इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। आरोप लगा रहे हैं क्या आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद दानिश है, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा के पद पर भारतीय जनता पार्टी बहराइच। आपके द्वारा दरगाह कमेटी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, क्या है ये आरोप, क्या कहना चाहेंगे? मैंने दरगाह शरीफ प्रबंध समिति के अध्यक्ष शमशाद अहमद पर आरोप लगाए हैं कि हमारे यहाँ दरगाह शरीफ में लगभग प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए की आय होती है, जिसमें 5 से 7 करोड़ रुपए का गबन प्रतिवर्ष किया जाता है। इसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी का पूरा हाथ है उनके ऊपर, और इसमें पिछले 12 वर्षों से इन्होंने सरकारी ऑडिट कराना भी बंद कर दिया। और क्या आरोप है? और जैसे ज़मीन के घोटाले हैं, ज़मीन जो वक्फ की ज़मीनें पहले दरगाह शरीफ के नाम ही थी, उन्हें फिर से दोबारा बैनामा कराकर इन्होंने फिर से उन्हीं ज़मीनों को खरीदा है, और जो उनके अहलोयाल थे जिनसे इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं उनसे एक कुछ रकम तय करके उनको पैसा वापस थोड़ा बहुत पैसा दिया है, फिर उसी पैसे को उनके अकाउंट से फिर वापस लिया गया है। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है, क्या मांगी है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से इस प्रकरण में शिकायत की है, माननीय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी से भी शिकायत की है, और राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से भी इस प्रकरण में शिकायत की है। और इस प्रकरण में इसलिए शिकायत की है कि इसका निष्पक्ष जाँच की जाए और इन्हें पदमुक्त करके तभी जाँच कराई जाए, ताकि जो भी सच्चाई है वो सबके सामने आए। कहीं ना कहीं इसमें चेयरमैन जुफर फारूकी का पूरा संरक्षण दिखाई दे रहा है, क्योंकि बगैर संरक्षण के पिछले 17-18 सालों से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो दिखाई सबको दिखाई तो देता है, लेकिन जो शिकायतें भी होती हैं तो इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये जितने आरोप आप लगा रहे हैं कुछ साक्ष्य दिए हैं आप? जी, हमारे पास इसके साक्ष्य हैं। इसमें देखिए, लेखा की जो है रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ कहा गया कि आप इसकी जांच जो ऑडिट रिपोर्ट है ऑडिट कराइए, लेकिन इन्होंने उसी पल से ऑडिट कराना बंद कर दिया है। और इसमें एक फर्म है जिसमें इन्होंने 37 लाख रुपए उनको एडवांस में दे दिया है, जबकि किसी वित्तीय वर्ष में इतना ज़्यादा एडवांस देना मुनासिब नहीं है और नहीं देना चाहिए जब तक कि पूरा वित्तीय वर्ष खत्म ना हो जाए। ऑडिट की मांग कर रहे हैं? जी, हम ऑडिट की मांग कर रहे हैं। तो क्या इनके रहते हुए ऑडिट उसी ढंग से हो जाएगा? नहीं, इनके रहते हुए तो ऑडिट नहीं हो पाएगा, इसीलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, एक ईमानदार सरकार है, और मैंने ये मांग की है कि इनको इनके पद से पदमुक्त मत कर दिया जाए, तभी निष्पक्ष जाँच हो पाएगी, अन्यथा जाँच हो पाना संभव नहीं कर रहा है। इसका चुनाव हुआ है, पदमुक्त कैसे हुआ? नहीं, चुनाव गलत तरीके से किया गया है, वो इसलिए क्योंकि हमारे बहराइच में इसका चुनाव होना चाहिए। इन्होंने साठ गांठ करके चेयरमैन से चुनाव को लखनऊ में करा लिया, जो कि इलीगल है और गलत तरीके से कराया गया है। मैंने ये भी मांग की कि इस चुनाव को निरस्त करके दोबारा चुनाव प्रक्रिया हमारे जिले में कराई जाए, जिला कार्यालय में जिलाधिकारी ऑफिस में कराई जाए।
और स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो सरकार इस हाई कोर्ट का जो आदेश है उसमें खानदानी खादिम, दो खानदानी खादिम जो वहाँ के खादिम हैं, जो नान पे ही खादिम होते हैं, किसी कोई इस तरह का वो वेतन नहीं पा रहे हो, उन खादिमों को कमेटी में रखने का प्रावधान है। जबकि पिछले 18 वर्षों से शमशाद अहमद लगातार अपने कर्मचारी को कमेटी में मेंबर बनाए हुए हैं ताकि वो बड़ा से बड़ा घोटाला कर लें और इसे किसी की इसको किसी की भनक न लगे और हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। किस फर्म के नाम 35 लाख का भुगतान हुआ, एडवांस गया है? ये अब्दुल रहमान एंड कॉन्ट्रेक्टर के नाम पर 37 लाख रुपए एडवांस गए हैं और उसके बाद से दरअसल फिर उसके बाद अगर हम कोई पेपर की डिमांड करते हैं तो वो पेपर भी हमें नहीं मिल पा रहे हैं। ये तो बहुत पुराना पेपर है जो है जी, और गेट गेट का निर्माण हुआ था उस फर्म पर, उसके लिए ये उनको एडवांस लिया मिला था। और उसका गुंबद अलग गायब, जो कदम रसूल शरीफ के पुराने फिरोजशाह तुगलक द्वारा गुंबद लगाए गए थे वो गुंबद आज धातु के राख कर दिए गए, उनकी जगह नकली गुंबद लगे हैं, वो भी बहुत बड़ा घोटाला है। जो कदम रसूल पर और हमारे दरगाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो मजार शरीफ है उस पर जो गुंबद लगाए गए थे वो पहले पुराने ज़माने के बहुत अष्ट धातु के थे, उनको बदल कर उनकी जगह पर तांबा पीतल के जो भी गुंबद हैं उनको लगा दिया गया और उन गुंबदों को बेच दिया गया है। और इसकी भी मैंने मांग की है सरकार से कि जांच की जाए वो गुंबद कहाँ गए। और जो सोने चांदी जो सोने चांदी का चढ़ावा होता है उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है दरगाह शरीफ में। हमने सरकार से ये मांग की है कि उसमें जो लेखा जोखा होता है वो कंप्यूटराइज होना चाहिए ताकि यहाँ से लेकर लखनऊ तक किसी भी एक आम इंसान को भी दरगाह शरीफ से रिलेटेड जो भी वहाँ का खर्च है लेखा जोखा है सबको पता चल सके, ऐसी मैंने मांग की है ताकि ये एक जीरो टॉलरेंस नीति ईमानदारी पर इसको बढ़ावा दिया जा सके जो हमारे सरकार की मंशा है। यानी आपका कहना है कि किसी न किसी तरीके से दरगाह वक्फ नंबर 19 में हमारी जो है सरकार के रेवेन्यू पे आय पे उसका घोटाला हो रहा है, उसके साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, छिपाया जा रहा है।